हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, गूगल एडसन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। आप काफ़ी कह सकते हैं ये अपडेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जानना जरूरी है। आप यूट्यूब क्रिएटर हो, यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हो और आपका चैनल मोनेटाइजेशन है या नहीं भी है तो भी आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरत है। और जिनका चैनल मोनेटाइजेशन है, ये अपडेट को नहीं देखते हैं और पूरा अंत तक वीडियो नहीं देखते हैं और नहीं जान पाते हैं गूगल एडसन की तरफ से क्या अपडेट आया है, तो आपका 110% बता रहा हूँ कि आपका चैनल डीमोनेटाइजेशन हो जाना वाला है। ये 45 दिनों के अंदर डीमोनेटाइजेशन हो जाना, इसीलिए आपको जान लेना है, इस वीडियो पूरा अंत तक देखना है कि इस क्या एडसन की तरफ से अपडेट आया है, वो पूरा डिटेल्स में जानना है। के बाद आपको वो चीज़ करना है, जो चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका चैनल डीमोनेटाइजेशन नहीं होगा। आप ऐसा गलती कर भी देते हो, आप नहीं भी देखते हो तो आप अर्निंग भी कर रहे होगे तो फिर भी अर्निंग नहीं कर पाओगे। आप चैनल डीमोनेटाइजेशन है तो फिर भी डीमोनेटाइजेशन हो जाएगा। ये जानने के आप जान लेते हो कि कैसे कैसे क्या करना तो आपका चैनल बचा रहेगा। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है गूगल एडसन को लेकर जो अपडेट आई है। तो दोस्तों, बता दूं कि जो गूगल एडसन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, जो कि है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। अभी तक आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया तो अब ये फटाफट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लेने के बाद आपको गूगल एडसन पिन अप्लाई करने के दिया होगा। देखिए गाइस, उन सभी को अपडेट देखने को मिल रहा है जो काफ़ी ज़्यादा लोग जो कि अभी जो है इसमें क्या करें, काफ़ी ज़्यादा अपना जो है कि अपना जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है इसको पेंडिंग छोड़ देते हैं। पेंडिंग छोड़ देने की वजह से उनका क्या होता है कि क्या इस वो उन पर अर्निंग तो करते रहते हैं, बट क्या होता है कि वो देखिए लास्ट में अर्निंग करते रहेंगे लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे तो वो पैसा अपना निकाल नहीं पाएंगे। तो ऐसे में क्या है, गूगल की तरफ से काफ़ी बड़ा अपडेट ये चुका है कि जो अभी पेंडिंग छोड़े हैं वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो आप अर्निंग भी कर रहे होंगे तो अर्निंग सब कुछ होगा, आपका डॉलर भी कमाई होगी, सब कुछ होगी, लेकिन आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। आपका वो डॉलर वहीं सी में रह जाएगा, कहने का मतलब गूगल एडसन में ही रह जाएगा, आपके पास नहीं मिलेगा। अब ये सी कंप्लीट कर लेते हो, जैसे गूगल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हो और फिर उसके बाद आप जो भी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने के बाद आप उसे अपने पैसा निकाल सकते हो। और काफ़ी लोगों ने जो ये चीज़ नहीं किया है तो उसके लिए 45 डेज़ का वक्त दिया गया। 45 दिनों के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लेने के बाद आपको क्या होगा, गूगल एडसन पिन अप्लाई करना होगा। गूगल एडसन पिन अप्लाई करने के लिए आपको 3 बार आप देगा ऑप्शन, 3 बार में से आप किसी बार आप फेल हो जाते हैं तीनों बार, तो आप चौथी बार जो होता है ऑनलाइन प्रक्रिया देता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे बैंक जो कह सकते हैं, जैसे कि आई आपको पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट नहीं है तो आपको पैन कार्ड चल जाएगा, पैन कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा। ये तीनों प्रक्रिया से आप अपना क्या सकता है गाइस, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आधार कार्ड मैंडेटरी था पहले, लेकिन अब आधार कार्ड नहीं रखा है ऑप्शन में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड से नहीं करना है, पैन कार्ड वगैरह से कर लेना है, वोटर आईडी कार्ड से करना है, पासपोर्ट से कर लेना है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स है वेरिफिकेशन के लिए, ऐसे में वेरिफिकेशन कर लेना है, क्योंकि इससे गाइस क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद आप एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपके यहाँ गूगल एडसन पिन भेजा जाएगा। जो पिन भेजा जाएगा उसके बाद आप पिन को वेरीफाई अप्लाई करते हैं, डाल देते हैं, उसके बाद आपका एड्रेस भी जो एड्रेस है वो भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम गूगल एडसन पिन अप्लाई करते हैं, पहले बार में नहीं आया, दूसरे बार में नहीं आया, तीसरे बार में नहीं आया, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, जब चौथे बार जब हम करेंगे तो चौथे बार हमें क्या होगा, ऑनलाइन प्रक्रिया करना होगा। गूगल ऑनलाइन के थ्रू अब हमें एड्रेस वेरीफिकेशन करना होगा, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट जो मांगेगा उस डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा, आपका वेरीफिकेशन हो जाएगा। देखिए, पहली बार जब अप्लाई करेंगे तो आपको देखिए 28 दिन का वक्त लगेगा, 28 दिन में के अंदर आपके नहीं आता तो दूसरी बार अप्लाई कीजिएगा, दूसरी बार भी ऐसे होता है तो आपको तीसरी बार कीजिएगा, 2-3 बार अप्लाई करने ऑप्शन देता है, उसके बाद आप चौथी बार क्या होता है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन दे देता है। तो ये चीज़ है कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन था कि जो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लिए हैं, जिनके एडसन जो ऑलरेडी अर्निंग करके पैसा अपना अकाउंट में ला रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए करना जरूरी है कि नहीं है। मैं बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और जिस तरह से अर्निंग कर रहे हैं वो अर्निंग करेंगे। हाँ, काफ़ी यूट्यूबर ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा उनको कन्फ्यूज कर दिए हैं कि उन सभी को भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है, लेकिन उन सभी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करना है। जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है उनको ऐसा कुछ नहीं, उनके लिए कोई इशू नहीं है, और जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उनके लिए अपडेट है, जो पेंडिंग छोड़ देते हैं, जो बाद में छोड़ते हैं, बाद में वेरिफिकेशन कर लूँगा या उसके लेकर है, तो उन सभी के लिए है। और क्योंकि ऐसा हो चुका है, कई लोग यूट्यूबर के साथ हो रहा है कि जो अभी पेंडिंग छोड़ दिए थे उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था तो क्या कर रहे हैं, उनका चैनल डीमोनेटाइजेशन हो जा रहा है। तो ऐसे में गलती ना कीजिए, जैसे आप जो पेंडिंग छोड़े हैं तो आप वेरिफिकेशन कर लीजिए, आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन रहेगा और अच्छा खासा अर्निंग भी करें। चलिए दोस्तों, अभी के बस ये वीडियो में इतना ही, इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो गूगल एडसन की तरफ से है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिएगा और चैनल पर